नमस्कार डोगरी खबर दे इस बुलेटिन में आ रेखा मना सौनो पाच इस वेले दे लेखे जोखे उपर अज सुरक्षा बल ते उग्रवादियों बश्कार कुपवाड़ा जिले के टंगदार इलाके च मुठभेड़ हुई। अज बड़ला टंगदार के जंगले च उग्रवादियों के एक ग्रुप की दिखाया गया। इस दौरान जंगले च तलाशी अभियान चलाया गया, तुआई उग्रवादियों आसू सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई गई। इस बश्कार जंगले च मुठभेड़ शुरू हुई गई। उग्रवादियों अज कुलगाम जिले के मुतलहामा ग्रां थमां कल राती पुलिस ट्रेनर की अगवा कर लिता। उग्रवादी सलीम शाह नाम के मानू की ओर घर थमां अगवा करी लिता। सलीम पहले SPO के तौर पर काम करता है, ये बाद बतौर कॉन्सटेबल के थारे ताई कठुआ च ट्रेनिंग उपर हा। तुआई पुलिस आसिया सलीम की तलाश किया जा करता है। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री ते सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गलाया कि पाकिस्तान की गलगत की शामिल किए दे बगैर जम्मू कश्मीर च शांति वापस नहीं आ सकती। उन्हें भाजपा सरकार की गलाया कि वह सख्त रवैया छड़िया मामले के हल ताई संजीदगी दसन। उन्हें यह गल बीती दिहाड़ी लोकसभा च सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बारे हुई दी बहस के दौरान गलाई। उन्हें गलाया कि देश च मुसलमानों के खिलाफ समा बनाया जा रहा है। उन्हें गलाया कि मुसलमान भी भारत का हिस्सा ने जिया भाजपा के लोग ने। My maiden speech also, because I have never seen this house as quiet to listen to everybody, and I'm proud of this house, whether it's on that side or on this side, that at least we are able to put our point of view. Many of you may not like it, but one has to put the point of view. Abhi Dwivedi ji ne Sir Muhammad Iqbal ka ek shair padha aapke saamne, और वो था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा, मगर एक पैरा वो छोड़ गए। वो था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों पे शक मत करिए, मुसलमान इतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप हैं। मैं आज भी जानता हूं नौशहरा में जब लड़ाई हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 47 में, तो वहां ब्रिगेडियर जो था वो मुसलमान था, ब्रिगेडियर उस्मान। और तब वो फौज ऑर्डर में नहीं थी, ये स्टेटों की फौजें थी, अलग अलग स्टेट्स की, और अंग्रेज बादशाह थे जिन्होंने ये फौजें रखी थी। वो कमांडर था जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहा जब तक कि वो अपनी जान न दे सका इस वतन के लिए। मत भूलिए, मैं किसानों की बात नहीं करूंगा, मैं दलित की बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीर की बात करूंगा। हम आज साल हा साल से इंसाफ को तलाश कर रहे हैं, वो इंसाफ कहाँ है? कहा गया डिमोनेटाइजेशन आएगी तो पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। पत्थरबाजी क्या बंद हुई? होम मिनिस्टर साहब जानते हैं, अब बंदूकें आ गई हैं और ग्रेनेड आ गए हैं। हम लोग शांति से सो नहीं सकते, हम चाहते हैं कि अमन आए। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा फारूक अब्दुल्ला जो बोलेगा, अमन आएगा नहीं जब तक जब के पाकिस्तान के साथ हम लोग कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, न मैं कभी पाकिस्तानी था न कभी मैं पाकिस्तानी बनूंगा। मेरी जान जाएगी तो इसी वतन में जाएगी और इसी मिट्टी में जाएगी, मगर रास्ता निकालना है। फारूक अब्दुल्ला जी, आज भी ये उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा जी। ये नफरतें जो फैल रही हैं हिंदू और मुसलमान में, हमें रशिया नहीं मार सकता, हमें अमेरिका नहीं मार सकता, हमें कोई मुल्क नहीं मारेगा, हम अपने मुल्क को खुद मारेंगे जब हम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को गले नहीं लगाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री, मैं नहीं समझता वो सिर्फ आपके प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं जब तक वो उस कुर्सी पर बैठे हैं। फारूक साहब, इसे सुनिए,
वही लाल किले पे कहते हैं, एक मिनट में लाल किले पे कहते हैं फारूक साहब कि हमने कश्मीर के दिलों को जीतना है। मैं आज उनसे ये अपील करता हूँ और इस हाउस में अपील करता हूँ आप सबसे, नफरतों को छोड़ दीजिए। भारत डोडा के रौने वाले 40 बरें जावेद अहमद मलिक की पुलिस हिरासत च मौत का मामला तोल फड़ता जा करता है। प्रदर्शनकारियां अज छात्रू बस स्टैंड उपर सड़क की ब्लॉक के तहत मंग की कि मौत के जिम्मेवार लोगों की सजा देना लोड़ता है। तो छात्रू पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों लाए गए आरोपों थमां इनकार किया। इस बश्कार लोगों जावेद अहमद की लोथ सड़क उपर रखी प्रदर्शन किया। MLC फिरदौस टाग भी प्रदर्शनकारियों शामिल है। उन्हें गवर्नर अगे अपील की कि वह इस मामले की जांच कराए दोषियों की सजा दवान। लेकिन छात्र पोस्ट का इंचार्ज कौन है? कौन है सर? वो तो आपकी इंसानियत है, वो तो हम पे एहसान है आपका। आप वो बात नहीं, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये सुना छात्रों का कौन है? सही बात है, हम भी यही छात्रों की पुलिस है। जो मजदूरी, एक मिनट, जो मजदूरी करता था और दुकानदारी करता था वो एक ऐसे सानहा में मारा गया जहाँ पे इल्जाम उन अल्फा उन अशखास पे है, उस एजेंसी पर है जिसका काम हमारी हिफाजत करना है, आम आवाम की और गरीब आवाम की हिफाजत करना है। लेकिन मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि एक शख्स जो डोडा का रहने वाला है, जब आपके इलाके में उसके साथ नाइंसाफी हुई, हमने ये नहीं देखा कि ये कहाँ का है, हमने ये नहीं देखा कि ये कौन है। ये आवाम जो है एक इकट्ठा जो हो रही है, मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और आपकी तरफ से SP साहब यहाँ पे खड़े हैं, DC साहब खड़े हैं, इंसाफ आपने करना है। इंसाफ न सिर्फ इस मैयत के साथ बल्कि इसकी बीवी के साथ, इसकी बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। ये दाग आपके SHO पर, आपके कांस्टेबल पे नहीं SP साहब, ये दाग आपकी वर्दी पे लगा है। करता हूँ आपसे पूरी आवाज की तरफ से आपसे मुतालबा करता हूँ कि जो भी शख्स इसमें इन्वॉल्व है आप इसी वक्त उनका सस्पेंशन ऑर्डर करके उनको अरेस्ट करें। और अभी 1 घंटे के अंदर अंदर जो